सब लोग दर्शन करते हैं। आज भी वो पुल है, कई किलोमीटर भगवान ने उसको तोड़ा, लेकिन फिर भी उसके अवशेष हैं। धनुषकोटी तीर्थ, सेतु बंध तीर्थ, जहां विभीषण जी का राज तिलक किया था भगवान ने, उस स्थान पर गए। जहां सुग्रीव आदि बानर रहते उस स्थान पर गए, और फिर अग्नि तीर्थ का दर्शन करते हुए महाप्रभु जी ने रामेश्वरम के मंदिर में प्रवेश किया। जो रामेश्वरम दर्शन करने गए होंगे उनको ज्ञात होगा कि वहां मंदिर के भीतर ही 27 कूप हैं। पहले उन सबों का स्नान करना होता, पहले समुद्र स्नान करना होता है और फिर सब कूपों में स्नान करना होता है। हर कुएं के ऊपर खड़े रहते हैं कर्मचारी और वो बाल्टी भर के उड़ेल देते हैं। कोई इतना भले कभी न नहाया हो, पर रामेश्वरम चला जाए तो घंटों नहाता है पहले, तब तो भोले बाबा दर्शन देते हैं उसको। हर कुएं पे जाके नहाना होता है। अब भी गए, पहले तो गीले कपड़ों से दर्शन होता था, अभी साल 6 महीने पहले व्यवस्था बदली है तो वस्त्र पलट लेते हैं, नहीं तो गीले कपड़े में दर्शन होता था। और फिर सब कूपों में महाप्रभु जी स्नान करके और फिर रामेश्वरम भगवान का दर्शन करते हैं। बड़ा अद्भुत भोले बाबा का वो ज्योतिर्लिंग है। भारत के सारे तीर्थ ही अद्भुत हैं। रामेश्वरम भगवान का दर्शन किया, और रामेश्वरम भगवान में कोई जाकर अभिषेक नहीं कर सकता, वहां पर गंगा जल दिया जाता है, फिर ब्राह्मण ही जाकर के अभिषेक करते हैं। लेकिन उन ब्राह्मणों ने उस समय महाप्रभु जी से अभिषेक कराया, और फिर महाप्रभु जी ने गंगा जल से रामेश्वरम भगवान के अभिषेक किए, और जो शिवलिंग हनुमान जी लाए थे उन्होंने काशी विश्वनाथ जी का भी अभिषेक किया। और सवेरे सवेरे जिन स्फटिंग लिंग का अभिषेक होता है, जिनको शंकराचार्य भगवान ने स्थापित किया था, उनके भी दर्शन किए, उनका भी अभिषेक हुआ, और फिर वहां कीर्तन हुआ। तीर्थिक विप्र ने महिमा सुनाई कि महाराज इन रामेश्वरम भगवान का एक नाम रामनाथ भी है और अनेक कथा प्रचलित है। जिस समय भगवान चढ़ाई करना चाहते थे रावण के ऊपर, तब अगस्त जी ने उनको कहा कि पहले आप शिवलिंग की स्थापना करिए। तो उस समय भगवान श्री राम शिवलिंग की यहां स्थापना करते हैं। उस समय अगस्त जी विराजमान होते हैं, और ऐसी भी कथा है कि उस समय श्री राम जी अगस्त जी से पूछते हैं कि हम शंकर भगवान की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं किसी शैव्य के द्वारा, किसी परम शिव भक्त के द्वारा शंकर जी की स्थापना हो, पहली अर्चना हो। तो गुरुदेव बताइए इस समय इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा शैव्य कौन है, माने शिव भक्त कौन है। तो अगस्त जी कहते हैं इस समय तो सबसे बड़ा शिव भक्त यदि कोई है तो वो रावण है। तब राम जी ने कहा ठीक है, हम रावण को ही न्योता देते हैं, वो आकर के हमारे शिवलिंग की स्थापना करा। सबने कहा महाराज उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तो आप स्थापना कर रहे हैं, वो क्यों आएगा। राम जी ने कहा मना ही तो करेगा, लेकिन वो ब्राह्मण है, परम शिव भक्त है, निमंत्रण देंगे, स्वीकार करना न करना उनके हाथ है। तब ऐसी भी कथा है कि राम जी ने निमंत्रण भेजा, रावण के पास महा ठाकुर जी का राम जी का पत्र पहुंचा। विचार करने लगा कि मुझे आज जिंदगी में पहली बार किसी ने ब्राह्मण माना है, नहीं सारी दुनिया तो मुझे राक्षस ही कहती है, मेरे कर्म भी राक्षस वाले ही हैं, लेकिन आज जीवन में पहली बार कोई कर्म कांड करने के लिए, कोई पुरोहित का कर्म करने के लिए कहीं से निमंत्रण आया है, और निमंत्रण भी किसी सामान्य आदमी का नहीं, परमात्मा ने पत्र भेजा है, तो जिंदगी में फिर ये मौका मिले नहीं मिले अब ये मौका छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा मैं पूजा कराने के लिए, स्थापना कराने के लिए। तो उन्होंने पत्र भेज दिया भगवान को कि मैं तैयार हूं, लेकिन ये भी लिख दिया कि मैं पूजा करवाऊंगा, आपकी स्थापना करवाऊंगा, लेकिन मुझे इतना भी पता है
कि कोई गृहस्थी व्यक्ति कोई शुभ कार्य करे तो उसके साथ उसकी धर्मपत्नी जरूर होनी चाहिए। लेकिन आपकी धर्मपत्नी तो मेरी है, कैद खाने में है, अशोक वाटिका में है। तो यदि आप मेरे से कार्य कराना चाहते हैं तो मैं आपका कार्य अधूरा नहीं रखूंगा, मैं जानकी जी को लेकर आऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि जानकी जी इस समय मेरे अधिकार में है, मेरी बंदी है। तो पूजा के समय वो आपके साथ रहेंगी, लेकिन जब पूजा संपन्न हो जाएगी तब मैं वापस उनको विमान में बिठा के अशोक वाटिका ले आऊंगा। राम जी ने कहा स्वीकार है। तब बड़ी अद्भुत कथा है कि रावण जानकी जी को विमान में बिठा करके लाया। जानकी जी ने आके प्रभु को प्रणाम किया और फिर सब रावण के द्वारा व्यवस्था की गई। हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया। हनुमान जी सोचे कहां से शिवलिंग लाया जाए, तो शंकर भगवान के पास ही पहुंचे शिवलिंग लाने के लिए। तब उस समय शंकर भगवान ध्यान में थे, थोड़ी देर बैठ गए कि जब ध्यान से बाहर होंगे तब राम जी स्थापित कर रहे हैं तो क्यों ना शंकर जी के द्वारा ही शिवलिंग लिया जाए ताकि उसकी स्थापना हो। इधर हनुमान जी तो प्रतीक्षा करने लगे कि भोले बाबा का जब ध्यान भंग होगा। इधर मुहूर्त निकला जा रहा था, अगस्त जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, इसी मुहूर्त में स्थापना होनी चाहिए। तब अगस्त जी की आज्ञा से जानकी जी ने वहीं समुद्र का बालू लेकर के और एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसका हम दर्शन करते हैं वो जानकी जी के द्वारा ही बनाया गया शिवलिंग है। उस रज से उस शिवलिंग को निर्माण किया जानकी जी ने। और तब अगस्त जी तो विराजमान थे ही, और फिर उस शिवलिंग की अर्चना की गई, स्थापना की गई। जब पूजा अर्चना हो गई तब हनुमान जी वो लिंग लेकर के आए। तब भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ होगा, सब बात बताई तो भोले बाबा ने ही अपने हृदय से प्रकट करके शिवलिंग प्रदान किया। हनुमान जी लेकर के अब देखा कि वहां तो पूजा भी हो गई। तब राम जी से कहा, राम जी ने कहा कहां रह गए आप, यहां तो समय निकला जा रहा था, अब हमने नया शिवलिंग बना के पूजा कर ली। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसे ऐसे भोले बाबा का तो आप जानते हो ध्यान में मगन थे, उनकी समाधि कौन खोले, तो जब उनका ध्यान खुला तब मैं लिंग लेकर के आया। अब ये तो शंकर जी के द्वारा लाया दिया गया शिवलिंग है, आप इसकी पूजा करिए। राम जी ने कहा अब तो पूजा हो गई। हनुमान जी हट करने लगे, ऐसे तो कभी करते नहीं है पर प्रभु की इच्छा होगी, करने लगे। तब राम जी ने कहा देखो हनुमान, यदि तुम्हें अपने लाए लिंग की स्थापना करनी है तो जो पहले पूजित हो गया इसको यहां से हटा, तब फिर यहां विराजमान कर दे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी वो पहले वाले शिवलिंग को पूंछ में लपेटे उखाड़ना चाहे, अब वो तो हिले नहीं। हनुमान जी की पूंछ उखड़ गई पर वो शिवलिंग नहीं उखड़े, और हनुमान जी दूर समुद्र में जा गिरे। तब अंत में कहा कि अब ये शिवलिंग तो हटेंगे नहीं, फिर मेरे लाए का क्या होगा। बोले आपके लाए शिवलिंग भी इन रामेश्वरम भगवान के निकट विराजमान होंगे। तब जो हनुमान जी शिवलिंग लाए थे उनको विश्वनाथ कहते हैं, और जो जानकी जी के द्वारा स्थापित है उन्हीं को रामेश्वर, रामेश्वरम या रामनाथ कहते हैं। जो हनुमान जी लाए थे उनको विश्वनाथ कहते हैं, पास में ही विराजमान। पूजा अर्चना किए, फिर रावण के द्वारा अर्चना हुई, स्थापना हुई, प्रथम अभिषेक किया। और उस समय फिर एक नियम है कि पुरोहित को बुलाया है। अब चूंकि इस समय रावण पुरोहित है और राम जी यजमान है, तो यजमान तो पुरोहित को प्रणाम करता है। तब जानकी जी के साथ भगवान राम ने रावण को प्रणाम किया कि समय ब्राह्मण है, पुरोहित है, तो हमारा कर्तव्य होता है प्रणाम करना। जिस समय प्रणाम किया तब उस समय रावण के भी नेत्र भर गए। अब सोचने लगा कि यजमान प्रणाम कर रहा है तो फिर आशीर्वाद भी देना है। तब रावण ने भी हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया कि जिस संकल्प को लेकर आप, अब उसको पता है कि किस लिए पूजा करी है, इसलिए करी है कि लंका पे विजय हो, रावण मारा जाए। रावण को भी पता है
कहा प्रभु से कि जिस संकल्प को लेकर के आपने पूजा करी है, जिस कार्य की सिद्धि के लिए, हम भी आशीष देते हैं कि आपका वो काम पूरा, आपकी सिद्धि हो, आपका काम पूरा हो जिस कार्य के लिए आप। राम जी स्थित हुए। अब दूसरी बात कि जिस पुरोहित ने पूजा कराई उसको दक्षिणा देनी थी, प्रणाम तो कर लिया, अब दक्षिणा भी देनी थी। तो रावण से कहा, बताओ महाराज आपको क्या दक्षिणा दें, आपने पूजा कराई है। उस समय रावण कुछ भी मांग सकता था, सब लोग सचेत हो गए, कहीं ये यही ना कह दे कि मुझे जानकी जी दे दो। लेकिन उस समय थोड़ी देर को उसको सद्बुद्धि आ गई, जब भगवान ने कहा, बोले जो मांगूंगा आप दे दोगे, बोले हाँ देंगे। तब उसने भी यही मांगा कि मुझको पता है कि हमारे सब कुल वंश का क्या होना है, मैंने जीवन भर पापी किया है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, हमसे कोई साधन भजन हुआ नहीं, राक्षसों जिंदगी भर राक्षसों के काम करता रहूं, बस दक्षिणा देना चाहते हो तो इतना दो कि मेरा जब पूरा कुल परिवार युद्ध के मैदान में मर के आपके धाम में पहुंचे तो अपने धाम के दरवाजे मत बंद करना, हम लोगों को देख के हमको अपने धाम में निवास दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, वो तो वैसे भी देते हैं जिसको मारते हैं, तुमको निवास प्रदान करें। तब रावण पुनः फिर जानकी जी को लेकर के चला। रामेश्वरम भगवान की स्थापना, राम जी ने अभिषेक किया, तब साक्षात शिवलिंग से शंकर भगवान प्रकट हो गए। देवताओं ने आके स्तुति करी, जय जयकार करी। तब उस समय देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि महाराज रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। तब राम जी ने कहा हम बताएंगे रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। बोले क्या? बोले बहुत सरल है, रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं, भगवान है, उनको रामेश्वर रामेश्वर कहते हैं। शंकर भगवान ने सुना, ये व्याख्या कर दी। शंकर जी ने कहा हम बताएंगे रामेश्वर शब्द का अर्थ। बोले आप बता दीजिए। बोले रामेश्वर शब्द का अर्थ है राम ईश्वर यासो स रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं ऐसे हैं रामेश्वर। रामेश्वर उनको कहते हैं जिसके ईश्वर राम हैं। राम जी रामेश्वर का अर्थ कर रहे हैं जो राम के ईश्वर हैं। शंकर जी अर्थ कर रहे हैं राम ही जिनके ईश्वर हैं। अब देवता बहुत उलझ गए, बोले तो विपरीत अर्थ हो गया। राम जी कह रहे हैं जो राम के ईश्वर सो रामेश्वर, भोले बाबा कह रहे हैं राम जिनके ईश्वर सो रामेश्वर, ब्रह्मा जी आप बताइए। ब्रह्मा जी ने समाधान कर दिया, बोले हमसे पूछो तो अर्थ क्या है, हमसे पूछो तो अर्थ ये है यो राम स ईश्वर, जो राम है वही ईश्वर है, माने जो राम है वही शिव है। तब समाधान हो गया और सब देवताओं ने उस समय रामेश्वरम भगवान की स्तुति करी है। पंडाओं से कथा सुन करके महाप्रभु आनंदित हो गए। तीर्थ की महिमा को श्रवण करते करते वहीं पर पहुंच जाते हैं और फिर महाप्रभु जी ने रामेश्वरम भगवान के मंदिर में कीर्तन किया है। खूब अद्भुत कीर्तन हुआ है, खूब अद्भुत जय जयकार हुई है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। रामेश्वर गंगे, हर हर महादेव शंभो, जय जय रामेश्वर गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे भज मन राधा गोविंदे काशी विश्वनाथ गंगे भज मन राधा गोविंदे जय जय रामेश्वर गंगे भज मन राधा गोविंदे जय जय रामेश्वर गंगे भज मन राधा गोविंदे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे जय जय रामेश्वर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे जय जय रामेश्वर गंगे जय जय रामेश्वर गंगे भज मन राधा गोविंदे काशी विश्वनाथ गंगे भज मन राधा गोविंदे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय जय रामेश्वर गंगे जय जय रामेश्वर गंगे भज मन राधा गोविंदे भज मन राधा गोविंदे भज मन राधा गोविंदे भज मन राधा गोविंदे जय जय रामेश्वर गंगे जय जय रामेश्वर गंगे आनंद रामेश्वरम भगवान में दर्शन किया है महाराज खूब नित्य कीर्तन हुआ है और साथ साथ कितने जन पर कृपा कर रहे हैं अब रामेश्वरम दर्शन करके महाप्रभु जी वही कीर्तन कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई माम राम राघव राम राघव रक्ष माम तब कहते 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 श्री महाप्रभु जी अब श्री रंगम के लिए प्रस्थान करते जिसको वर्तमान में त्रिची कहते हैं अभी त्रिचनापल्ली तमिलनाडु का स्टेशन है त्रिची जहां कावेरी बहती है कावेरी के एक ओर तो त्रिची है और कावेरी के दूसरी ओर श्रीरंगम है श्रीमन महाप्रभु जी वहां पधारे हैं और श्रीरंगम में जाकर के रंगनाथ भगवान का दर्शन किया है और ये रंगनाथ भगवान का जो मंदिर है वो पूरे भारत वर्ष का सबसे बड़ा मंदिर है जिस मंदिर में 24 परकोटा है लगभग 30,000 लोग मंदिर के भीतर रहते हैं जिनमें कितने तो मंदिर के सेवक कर्मचारी पंडा पुजारी 24 परकोटा है 21 द्वार हैं, 24 गोपुर है कावेरी के तट पर श्रीरंगम और मंदिर के भीतर कौन विराजमान है शेष साई नारायण शेष शैया पर लेटे नारायण जिनके चरणों की लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं उन शेष साई नारायण का दर्शन है श्रीमन महाप्रभु जी पहुंचे हैं आहा
श्री रंगम में रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। रंगनाथ भगवान की बड़ी अद्भुत झांकी, बहुत अद्भुत झांकी। ऐसे नारायण अन्यत्र दर्शन नहीं होते जैसे वहां है, अद्भुत दर्शन है। और ठाकुर जी बहुत लंबे ठाड़े हैं, छोटे नहीं है, बहुत बड़े ठाकुर जी हैं और सतयुग कालीन ठाकुर जी। आज पूरा तत्व विभाग भी ये बता नहीं पाता है कि कितने हजार कितने लाख वर्ष प्राचीन शिव विग्रह हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मनुष्य कितना पुराना है कि 2000 4000 साल पुराना है, उससे पहले मनुष्य बंदर था, तो उनके झूठ पे से पर्दा इस रूप में भी हटता है कि जब मंदिर लाखों लाखों वर्ष प्राचीन भारत में विराजमान है, श्री विग्रह लाख लाख वर्ष प्राचीन विराजमान है, तो क्या मनुष्य 2-4-5 हजार साल पहले पैदा हुआ है? ये झूठा इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में, इसी को वामपंथी शिक्षा कहते हैं। भगवान पहुंचे हैं, जो रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, अद्भुत महाराज। और ये रंगनाथ भगवान किनके सेवित हैं? ये ठाकुर जी ब्रह्मा जी के सेवित हैं। अब ब्रह्मा जी का जन्म ही कहां से हुआ? नारायण की नाभि से ही कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वहीं से प्राकट है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना कर ली, सब सृष्टि का कार्य कर लिया, और जब सब कार्यों से निवृत्त हुए तब भगवान का भजन करने लगे। तब जब भगवान की भजन उपासना करने के लिए बैठे तो उनको एक अभाव खला कि सब वैष्णव लोग अपने घर में अपने ठाकुर जी विराजमान करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, पर मेरे पे ठाकुर जी नहीं है, अब मैं कहां से ठाकुर जी लाऊं? तब भगवान नारायण से प्रार्थना किए। भगवान नारायण ने कहा, कहिए ब्रह्मा जी। बोले, सरकार हमको सेवा पूजा करने के लिए आपके श्री विग्रह चाहिए। कौन से श्री विग्रह चाहिए? बोले, मैंने तो आपके इसी शेषशायी स्वरूप का ही दर्शन किया है, क्योंकि मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, तो मुझे यही वाला स्वरूप चाहिए। तब स्वयं भगवान नारायण ने अपने हृदय से प्रकट करके, जो ठाकुर जी श्री रंगम में विराजमान है, वो ठाकुर जी अपना स्वरूप ब्रह्मा जी को दिया। तब ब्रह्मा जी ने अनेक समय उन विग्रह की सेवा करी। फिर आगे वैवस्वत मनु का जन्म हुआ और आगे फिर इश्वाकु जी का जन्म हुआ। तब इश्वाकु जी तपस्या किए ब्रह्मा जी की, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के इश्वाकु जी को वो श्री रंगनाथ भगवान प्रदान कर देते हैं। तब इश्वाकु जी ने सेवा करी। तब इश्वाकु जी के सेवा करने पर ये सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा में आ गए। तब तो अम्बरीश जी महाराज ने, दिलीप जी महाराज ने, रघु जी ने, अज महाराज ने, दशरथ जी महाराज ने और श्री राम जी ने इन रंगनाथ भगवान की सेवा करी। राम जी ने भी सेवा करी इन रंगनाथ की। फिर जब राम जी रावण का संहार करके आ गए, राज तिलक हो गया, राम राज की स्थापना हो गई, तब उस समय चोल देश के राजा धर्म वर्मा ये भी आए हुए थे। इन्होंने रंगनाथ भगवान को देखा तो रंगनाथ भगवान इतने सुंदर कि उनको देख के प्राप्त करने की इच्छा हो गई। अब कहने में संकोच हो कि कोई अपने ठाकुर जी कैसे दे देगा, तो फिर वहां से तो चल पड़े और जाकर के अपने क्षेत्र में, वो यहीं श्री रंगम के ही रहने वाले थे, तो इसी कावेरी के क्षेत्र में आकर के तपस्या करने लगे। तब कुछ दिन बाद ऋषि लोग आए और उनको कहा कि तपस्या छोड़ दो, और रंगनाथ भगवान तो हम ऋषियों को वचन दे चुके हैं कि अब कलयुग में यहीं विराजेंगे आकर के, तो अब यहीं आने का बानक बन रहा है, तपस्या छोड़ दो। तब उस वर्मा राजा ने तपस्या छोड़ दी। इधर विभीषण जी भी राज तिलक के बाद अयोध्या जी आते रहते थे, और राज तिलक के अवसर पे तो भगवान ने सबको ही वर मांगने के लिए कहा था। हनुमान जी को भी वर मांगने को कहा था, अंगद जी को भी, सबको वर मांगने को कहा था, जामवंत जी को। तब हनुमान जी को वर मांगने को कहा, तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी मुझे एक नहीं दो वर चाहेंगे। लोगों ने कहा, देखो सब लोग कहते थे हनुमान जी निस्वार्थ हैं, निस्वार्थ हैं, निस्वार्थ हैं, पर वर मांगने की बारी आई तो इनका भी भाव डगमगा गया। राम जी ने कहा, तुम कौन चीज चाहते हो?
अरे तुम तो कह रहे अयोध्या में ही रहूंगा, तो बताओ किस पद पर आसीन होगे? अयोध्या में रहोगे तो किसी पद पर रहोगे? हनुमान जी ने कहा एक पद नहीं चाहिए, दो पद चाहिए। लोगों ने कहा दो दो पद पर कैसे रहेंगे? राम जी ने कहा हनुमान तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही। तब हनुमान जी ने कहा मुझे ये सिंहासन वाले दो पद नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों वाले दो पद चाहिए, तो मुझे आप ये दोनों पद प्रदान कर। तो भगवान ने उनको दोनों पद प्रदान किए। फिर विभीषण जी की बारी आई मांगने की। अब विभीषण जी ने भी ठाकुर जी का दर्शन किया हुआ था, अब उनका मन तो ठाकुर जी पे लगा हुआ था। राम जी मांगने को कहे, बोले महाराज संकोच होता। विभीषण जी को कहा राम जी ने, निसंकोच मांगो, जो मांगोगे वो देंगे। तब विभीषण जी ने कहा महाराज आपको क्या ठाकुर सेवा करने की जरूरत, दुनिया तो आपकी सेवा पूजा करती है, तो ऐसा है आप हमें अपने घर के ठाकुर जी दे दीजिए। अब राम सदा सेवक रुचि रखे, तब राम जी राजी हो गए और विभीषण को वही रंगनाथ भगवान दे दिए। रंगनाथ भगवान को अपने सिर पर मंदिर सहित जिस गर्भगृह में रंगनाथ भगवान विराजमान है, वो गर्भगृह भी उतना ही प्राचीन है। उस गर्भगृह के पत्थरों की जांच होती है, पता नहीं पड़ता कितने लाख पुराने वो पत्थर उस गर्भगृह में लगे हैं। तो उस गर्भगृह के सहित ठाकुर जी को विभीषण ने ले लिया। राम जी ने कहा अब इनको बीच में न रखना, क्योंकि ये ठाकुर जी जहां रखे जाते हैं वहां स्थिर होते हैं, अभी तो प्रार्थना करके इनका उत्थापन कराया है। बोले ठीक है महाराज, मैं लंका ही जाके सांस लूंगा। लेकिन विभीषण तो लेकर के उड़ रहे थे। इधर जैसे ही यही कावेरी श्रीरंगम क्षेत्र पर आए, अब समुद्र पार करके तो लंका ही थी। अब देवताओं को लगा कि ब्रह्मा जी के सेवित ठाकुर वहां राक्षसों के नगर लंका में चले जाए, बढ़िया बात नहीं। तो जैसे ही श्रीरंगम के निकट आए तो विभीषण जी को लघुशंका का आवेग हुआ, और इतना आवेग हुआ कि समाधान करना जरूरी था शंका का। तब उन्होंने ठाकुर जी क्षमा मांगी और वहीं वो जो कावेरी के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है टापू जैसा, उस क्योंकि वहां दोनों ओर कावेरी है श्रीरंगम में, तो वहीं बीच में जो वो पवित्र सिंचित क्षेत्र है वहां विराजमान कर दिया। और विभीषण जी निवित्त होने के लिए गए। अब निवित्त होके आए तो ठाकुर जी उठे, कहा प्रभु चलिए। बोले हमने तो पहले ही कहा था, हमने वो धर्म वर्मा को भी बर दिया, वो अब यहीं रहेंगे। बोले प्रभु मैं तो आपको अपने घर के लिए मांग के लाया था, आप यहां बैठ गए, और जैसे राम जी ने आपको उठाया आप हमसे भी उठ जाओ। भगवान ने कहा देखो लंका तो नहीं जाएंगे, रहेंगे तुम भारत भूमि में ही, लेकिन संसार में हर जगह मेरा मंदिर पूर्व मुखी है। जहां भी भगवान के विग्रह विराजमान होते हैं तो पूर्व मुखी, और पूर्व मुखी नव्यवस्था बन पाए तो उत्तर मुखी, पर प्राय सब जगह पूर्व मुखी होते हैं। लेकिन एकमात्र रंगनाथ भगवान का मंदिर ऐसा है जहां ठाकुर जी दक्षिण मुखी हैं। नहीं कभी नारायण दक्षिण मुखी नहीं होते, हनुमान जी तो दक्षिण मुखी होते हैं, तो भगवान वैष्णवों के मंदिर कभी दक्षिण मुखी नहीं होते, लेकिन वहां ठाकुर जी ने दक्षिण की ओर मुंह कर लिया। किस लिए? क्योंकि विभीषण रो रहे थे। बोले देखो अब जाऊं रहूंगा तो यही भारत भूमि छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी लंका की तरफ देखता रहूंगा। अब भक्त भगवान की नजर मिली रहेगी, बस मैं तुमको देखूंगा, तुम मुझको देखना, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक। भक्त भगवान एक दूसरे को देखते रहेंगे, बाकी किसी को दिखे न दिखे। तब विभीषण राजी हो गए और फिर विभीषण चले गए वहां पर, और प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करने आते थे दिव्य रथ पर चढ़ करके। ब्राह्मण तो नियुक्त कर दिए वहां पर सेवा में, लेकिन फिर भी दर्शन करने और सेवा करने विभीषण जी रोज आते थे। एक बार तो उनको आने में कुछ देर हो गई, तो जल्दी जल्दी रथ चला करके आ रहे थे। अब जल्दबाजी में मंदिर का कोई पुजारी रथ के पहिए के नीचे आ गया और कुचल करके उसके प्राण चले गए। और जैसे ही देखा और ब्राह्मणों ने कि इस विभीषण ने तो ब्राह्मण मार दिया, तो सारे मंदिर के और रंगम के नारायण ब्राह्मण लोग इकट्ठे हो गए, विभीषण जी को घेर लिए और महाराज उन पे मार लगानी शुरू कर दी। मार 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 लहूलुहान कर दिया, पर विभीषण जी के प्राण नहीं निकले, चूंकि भगवान ने तो उनको कल्प भर तक का राज दे दिया, एक कल्प से पहले प्राण छोड़ ही नहीं सकते।
अब सोचे कैसे, तो मरी नहीं रहा, तब उनको जबरन पाताल में बांध के डाल दिया। अब विभीषण जी वहां कैद खाने, इधर बीच बीच में विभीषण अयोध्या जी भी जाया करते थे श्री राम जी का दर्शन करने, बहुत दिन आए नहीं। तब एक दिन नारद जी आए, राम जी ने पूछा महाराज वो विभीषण बहुत दिन से नहीं आए, कहाँ है आजकल? नारद जी ने कहा प्रभु अब आने की संभावना भी नहीं है, अब तो ब्राह्मणों ने मार कूट के उनको श्रीरंगम में कैदखाने में डाला हुआ है। जब राम जी ने सुना अरे महाराज मेरे भक्त पर इतना संकट, तब राम जी श्रीरंगम पधारे, ब्राह्मणों से आके मिले, ब्राह्मणों ने देखा राम जी पधारे, चरणों में प्रणाम किया, तब राम जी को सब बात बताई, तब राम जी विभीषण जी को छुटवाते हैं। अब ब्राह्मणों से कहते हैं देखो इन्होंने अपराध तो बहुत बड़ा किया, एक ब्राह्मण को मार दिया, लेकिन सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, और विभीषण तो मेरे सेवक हो गए हैं, मैंने एक कल्प तक उनको लंका का राज दे दिया है, तो देखो ऐसा करो तुम विभीषण को छोड़ दो और विभीषण की जगह जो दंड देना है मुझे दे दो। यह है भगवान का स्वभाव, यह है उनकी भक्त वांछा कल्पतरुता, मुझे दंड दे दो। अरे पंडा लोग तो निहाल हो गए, इतना प्रेम करते हैं आप विभीषण से, विभीषण जी को तो छोड़ दिया। अब राम जी ने कहा बताओ क्या दंड दोगे? बोले और कोई दंड नहीं सरकार, एक ही बात पूरी कर दो, क्या कि आप भी अब श्रीरंगम में ही रह जाओ, अब अयोध्या की छुट्टी, अब यहीं रहिए, हमें दर्शन देते रहो। तब भगवान ने कहा भाई अयोध्या भी जाना है, वहां पे भी सेवा देखनी है, पर एक रूप से हम यहां रहेंगे, एक रूप से अयोध्या रहेंगे। तो श्रीरंगम आप दर्शन करने जाइएगा तो शेष सैया पे तो नारायण लेटे हैं, वो तो अचल विग्रह हैं, उनके आगे खड़े हुए ठाकुर जी हैं वो चल विग्रह हैं, और वे ठाकुर जी कौन है? वही ठाकुर जी हैं राम जी जिस विग्रह के रूप में श्रीरंगम में विराजमान, वो ठाकुर। तब कहा इस रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा, तब फिर राम जी भी उस रूप में वहां रह गए। ऐसी श्री रंगनाथ भगवान की महिमा, श्री महाप्रभु जी इन सब लीला कथाओं को स्मरण कर रहे हैं। ये पूरी भारत भूमि बहुत पावन है महाराज, इस मिट्टी का एक एक कंकर संकर है, इस मिट्टी का एक एक धूल कण परम पवित्र है। सोचिए कैसी भूमि जो संतों को पैदा करती है, अरे संत नहीं भगवान को भी प्रकट होना होता है तो इसी मिट्टी में पैदा होते हैं। अरे किसी और धर्म के आचार्य लोग भी भले जन्म कहीं ले लें, पर उनकी उपासना तब तक पूरी नहीं होती, भले मोहम्मद साहब हो भले ईसा मसीह हो, जब तक इस मिट्टी में नहीं आते। सारे धर्मों के धर्माचार्य जब तक भारत भूमि में नहीं आए तब तक उनको सिद्धि नहीं मिली, उनकी उपासना पूरी नहीं हुई, ऐसी इस मिट्टी की महिमा है। पर आज भारतवासी भारत की महिमा नहीं जानते, सोचते हैं जमीन का टुकड़ा नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है ये, वो सोचते हैं जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मां है। संसार में किसी देश को मां नहीं कहा जाता, जापान माता, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, कनाडा माता नहीं कहा जाता, भारत माता कहा जाता है। ये भूमि मां है हमारी, गाय हमारी मां है, गंगा हमारी मां है, इन्हीं की कृपा से हम बचे। ऐसी भूमि पावन, महाप्रभु जी लीला कथा को श्रवण करते हैं और खूब कीर्तन श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में होता है, और उस समय रंगनाथ भगवान की जो आचार्य सेवा कर रहे थे उन आचार्य का नाम था वेंकट भट्ट। ये वेंकट भट्ट जी रंगनाथ जी के प्रधान अर्चक हैं, सेवा में हैं रंगनाथ भगवान की, और रंगनाथ जी की आरती कर रहे थे। इधर महाप्रभु जी ठाकुर जी का जो जगमोहने आंगन है उसमें कीर्तन कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उद्दाम नित्य कीर्तन चल रहा था। इधर वेंकट भगवान वेंकट भट्ट जी रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे थे, और जैसे आरती वो करते थे तो आरती की परछाई में उनको महाप्रभु का गर्भगृह में प्रतिबिंब दिखता था, तो उनको क्या अनुभव होता था कि ये रंगनाथ भगवान लेटे हुए हैं
और जो वो नाच रहे हैं उनकी परछाई पड़ती थी अंदर महाप्रभु की, तो लगता था एक रूप से तो रंगनाथ लेटे हुए हैं और एक रूप से रंगनाथ ही नाच रहे हैं, साक्षात नारायण ही नाच रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद आरती करते करते बाहर मुंह घुमाते थे तो देखते महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, फिर भीतर दर्शन करते थे तो उनको लगता था रंगनाथ ही नृत्य कर रहे हैं। ऐसे बार बार आरती करते हुए महाप्रभु का दर्शन किया और फिर आरती विश्राम करके और जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करके बाहर आए, महाप्रभु का दर्शन किया तो महाप्रभु जी में साक्षात उनको रंगनाथ भगवान का अनुभव हुआ। तब उस समय रंगनाथ भगवान की प्रसादी माला लेकर के महाप्रभु के गले में पहराई है, रंगनाथ भगवान का प्रसाद दिया है, चरणों में आकर के प्रणाम किया है। अब महाप्रभु तो खूब कीर्तन कर रहे थे और जिस दिन श्री महाप्रभु जी पहुंचे श्री रंगम में, उस दिन आषाढ़ कृष्ण आषाढ़ शुक्ल दशमी थी और आप जानते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से क्या प्रारंभ होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं, देवता सोते हैं और फिर कितने दिन सोते हैं, 4 महीना सोते हैं, फिर देव उठानी एकादशी को जागते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को। क्यों सोते हैं ये भी आप जानते हैं कि इन दिनों वेद चोरी हो गए थे, भाई नामक दैत्य वेदों को चुरा के ले गया था, तभी फिर भगवान का प्रागट्य हो गया। तो वेद चोरी होने से देवता इतने समय निष्क्रिय रहे तो देवता लोग सोते हैं और इतने समय को चातुर्मास कहते हैं। आषाढ़ कृष्ण दशमी को महाप्रभु पधारे, वेंकट भट्ट ने हाथ जोड़ करके कहा है महाराज आपका दुर्लभ दर्शन हमको प्राप्त हुआ है, आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए, आपसे प्रार्थना है कि आप बहुत दूर के चले हुए हो, प्रसाद भी नहीं पाया, कब से कीर्तन कर रहे हो, तो चल करके इस ब्राह्मण की कुटिया को पवित्र करिए, पास ही मेरा गांव है, मेरा घर है, वहां आप चलिए। तब ये वेंकट भट्ट जी महाप्रभु जी को अपने निवास स्थान पर ले गए। ये 3 भाई हैं, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट, और इन वेंकट भट्ट के पुत्र कौन हैं? श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, जिन गोपाल भट्ट जी ने श्री राधा रमन लाल को प्रकट किया, वो गोपाल भट्ट जी इन्हीं वेंकट भट्ट जी के पुत्र हैं। महाप्रभु जी को ये वेंकट भट्ट अपने घर लेकर के गए और चरितामृत में उल्लेख है उस समय गोपाल भट्ट जी 10-12 साल के थे। जैसे ही महाप्रभु जी पधारे, वेंकट भट्ट जी ने अपने पुत्र सहित पत्नी सहित महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बिठाया, महाप्रभु जी के चरण धुलाए और सबने चरणामृत किया। और हमारे बाबा जी महाराज तो गोपाल भट्ट जी के कीर्तन में कहते हैं कि गोपाल हैल अति सुंदर, बोले पहले गोपाल भट्ट जी सांवले रंग के थे लेकिन जब महाप्रभु जी पहुंचे और उनके चरण धोए वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु के, और फिर सबने चरणामृत पिया, तो गोपाल भट्ट जी सबको थोड़ा थोड़ा चरणामृत बांट रहे थे, आखिर में जो चरणामृत बचा अब वो गोपाल भट्ट जी के लिए ही था, फिर बचा जो चरणामृत वो सबरा गोपाल भट्ट जी पी गए। अब महाप्रभु का चरणामृत पीते ही उनकी कैसी दशा हो गई, बोले गोपाल हैल अति सुंदर, पिए गौर पादोदक, गोपाल हैल अति सुंदर। वो चरणामृत गोपाल भट्ट जी के पेट में नहीं गया, मानो महाप्रभु उनके भीतर चले गए और गोपाल भट्ट जी का स्वरूप ही महाप्रभु जैसा हुआ, अत्यंत गौर वर्ण हो गया और गौर प्रेम ने उनका हृदय भर गया। तब महाप्रभु जी को सुंदर आसन दिया, प्रसाद कराया, रात्रि को कीर्तन हुआ, विश्राम किया, अगले दिन महाप्रभु जी चलने लगे। तब वेंकट भट्ट जी ने कहा महाराज आज तो एकादशी है और एकादशी भी सामान्य नहीं है, देवसैनी एकादशी है, आज से तो चातुर्मास प्रारंभ होता है और महाराज आपको संन्यास लिए भी 2 ही महीने बीते हैं, 2-4 महीने बीते हैं, ये आपका संन्यास लीला का पहला चातुर्मास है,
तो सन्यासियों का नियम होता है वो चातुर्मास में एक जगह रहते हैं और एक जगह रह करके पूजन अर्चन भजन करते हैं। तो वास्ते तो चातुर्मास है, तो महाराज आपको कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा। यदि आप चाहो, ये श्रीरंगम बहुत पवित्र क्षेत्र है, जो कावेरी का जल पीते हैं वो विशुद्ध वैष्णव होते हैं, तो आप क्यों ना इस गरीब की कुटिया को पवित्र करिए, रंगनाथ भगवान का दर्शन करिएगा, कीर्तन सुनाइएगा, हम भी धन्य होंगे। और तब महाप्रभु जी चार महीने के लिए श्री गोपाल भट्ट जी के निवास स्थान पर रुके। शायद महाप्रभु जी इस तिथि को आए ही श्रीरंगम इसलिए हैं कि उनको गोपाल भट्ट जी पर कृपा करनी है। गोपाल भट्ट जी पर हमारे छह गोसाई है ना, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट जी रघुनाथ दास जी, गोपाल भट्ट जी और श्री जीव गोस्वामी जी। इन छहों गोसाइयों में जितनी अधिक कृपा गोपाल भट्ट जी को प्राप्त हुई है, उतनी कृपा किसी को प्राप्त नहीं। कृपा सब पे हुई है, लेकिन सोचिए महाप्रभु तो किसी के घर पर दो चार दिन भी नहीं रुके हैं, और सन्यास लेने के बाद एकमात्र गोपाल भट्ट जी महाराज का घर ऐसा है जहां महाप्रभु चार महीने रुके, और उस चार महीने में प्रतिदिन रंगनाथ भगवान का दर्शन, प्रतिदिन वेंकट भट्ट जी के यहाँ प्रसाद, और प्रतिदिन वेंकट भट्ट जी के यहाँ सत्संग और संकीर्तन। गोपाल भट्ट जी महाप्रभु की सेवा में विराजमान, सारी टहल महाप्रभु जी की करते हैं, और महाप्रभु जी का सत्संग श्रवण करते करते उनके हृदय में आहा गौर तत्व प्रकट हो गया, महाप्रभु का स्वरूप प्रकट हो गया। इधर जो साथ में कृष्णदास जी हैं, उनसे महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला के विषय में पूछते हैं, तब वो सुनाते हैं, तब गोपाल भट्ट जी को बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने महाप्रभु के दर्शन तो किए लेकिन मुंडित मस्तक सन्यासी गौर के दर्शन किए, मैंने नदिया नागर नवद्वीप बिहारी के दर्शन क्यों नहीं किए, उस कीर्तन बिहारी वाले रूप को जिनके घुंघराले केस हैं, पीताम्बर पहने हैं, नित्यानंद प्रभु के साथ हरि बोल करते हैं, उस झांकी के दर्शन क्यों नहीं किए। तो गोपाल भट्ट जी रोया करते थे महाप्रभु के विरह में। तब एक दिन तो महाप्रभु जी की सेवा करके रात्रि को सोए थे अपनी सैया के ऊपर, और यही विचार करते करते रो रहे थे, मुझे महाप्रभु के नदिया नागर रूप के दर्शन नहीं हुए, नदिया नागर रूप के दर्शन नहीं हुए, कि उसी समय उनकी आंखों के आगे स्वप्न में महाप्रभु की नवद्वीप लीला प्रकट हो, नवद्वीप लीला प्रकट हो, और रात्रि भर गोपाल भट्ट जी महाप्रभु की पूरी नवद्वीप लीला देखते रहे। कैसे महाप्रभु जी का जन्म, कैसे महाप्रभु की बाल लीला, कैसे महाप्रभु जी का विद्या अध्ययन हुआ, कैसे लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया जी के साथ विवाह हुआ, कैसे महाप्रभु जी गया जी गए, कैसे श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन किया, कैसे नित्यानंद प्रभु जी के साथ विहार किया, कैसे जगाई मदाई का उद्धार, कैसे काजी का उद्धार, सारी लीला गोपाल भट्ट जी के आंखों के सामने प्रकट हो गई। और उस समय गोपाल भट्ट जी विभोर हो गए, और जैसे ही उस लीला को देख रहे थे तो क्या देखा कि उस लीला में मैं भी हूं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी के साथ नाच रहे हैं और भक्त लोग गा रहे हैं, नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है, समा रहा है। श्री गोपाल भट्ट जी ने संपूर्ण लीला, संपूर्ण नवद्वीप कीर्तन लीला को स्वप्न में देख लिया,
और जैसे ही एक क्षण के लिए वो लीला आंखों से ओझल हुई, गोपाल भट्ट जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के भी 10-12 वर्ष की आयु में तुरंत सैया छोड़ करके हा गौरांग कहते हुए जिस कक्ष में महाप्रभु ठहरे हुए थे उस कक्ष में भागे। महाप्रभु जी के चरणों से लिपट जाना चाहते थे और महाप्रभु जी उस समय शैया पर बैठे थे, और जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी भाग के महाप्रभु जी के पास गए तो क्या देखा कि अब सन्यासी गौर नहीं बैठे, अब नवद्वीप बिहारी गौर उनकी शैया पर विराजमान। वही घुंघराले केश, वही पीताम्बरी, वही केसर का तिलक, वही गले में माला धारण करे हुए, वही नदिया बिहारी कीर्तन बिहारी गौरांग विराजमान। तब गोपाल भट्ट जी जाते हैं और महाप्रभु के चरणों में लिपट जाते हैं, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, और श्रीमन महाप्रभु जी कृपा करके अपना चरण गोपाल भट्ट जी के सिर पर विराजमान कर देते हैं, शीश पर विराजमान कर देते हैं। और उस समय महाराज कैसी दशा होती है, फिर गोपाल भट्ट जी प्रणाम करते हैं महाप्रभु को, और अब के जब सिर उठा के देखते हैं, पहले प्रणाम किया तो नवद्वीप नागर रूप का दर्शन हुआ, गौर सुंदर का दर्शन हुआ, अब फिर प्रणाम करके फिर उठ करके देखते हैं तो अब गौर सुंदर की जगह श्याम सुंदर का दर्शन होता है, वृंदावन बिहारी का दर्शन होता है, फिर चरणों में लौटने लगते हैं, प्रणाम करते हैं, अब की बार दर्शन करते हैं तो फिर सन्यासी गौर का दर्शन होता है। अब तो बार बार यही दर्शन होते हैं, कभी नवद्वीप बिहारी, कभी वृंदावन बिहारी, कभी सन्यासी गौर, कभी नवद्वीप बिहारी, कभी वृंदावन बिहारी, कभी सन्यासी, उस लीला का दर्शन करके विभोर हो जाते हैं। और श्री महाप्रभु जी उस समय गोपाल भट्ट जी को कहते हैं, गोपाल भट्ट तुम मेरे हो, और तुम सोचते हो यहां मैं चातुर्मास करने नहीं आया, मैं यहाँ केवल तुम पर कृपा करने के लिए ही आया था, जो ये कृपा ये धन तुमने प्राप्त किया है इसको जतन पूर्वक संभाल के रखना। कृपा हो जाती है गोपाल भट्ट जी पर, कैसे करके वो 4 महीने बीत जाते हैं पता नहीं पड़ता, और इधर चलने का समय हो जाता है। अब वेंकट भट्ट जी, उनकी धर्म पत्नी गोपाल भट्ट जी सब रो रहे थे, गोपाल भट्ट जी तो महाप्रभु के साथ ही जाना चाहते थे, पर महाप्रभु जी ने रोका। वेंकट भट्ट जी रो रो कर महाप्रभु जी से रुकने की प्रार्थना करने लगे, पर महाप्रभु जी ने कहा बहुत दिन रहते हो गए हैं वेंकट भट्ट जी, अब हमको जाना है, 4 महीने भी पूरे हो गए हैं, हमारे लिए आज्ञा क्या है? बोले आज्ञा यही है, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भजन करो, जो कृपा प्राप्त हुई है इसको संभाल के रखना, और देखो ये गोपाल भट्ट मेरा है, इसका विवाह न करना, समय आने पर आगे इसका मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। तब गोपाल भट्ट जी को भी यही कहा कि यही माता पिता के पास रह करके माता पिता की सेवा करो। तब फिर गोपाल भट्ट जी उसके बाद 20 वर्ष तक अपनी माता पिता की सेवा में विराजमान रहे, और फिर 20 वर्ष बाद उनके माता पिता का जब देहांत हुआ तब श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए, वृंदावन पधारे, और उस समय महाप्रभु जी तो नीलाचल में थे, उस समय जब गोपाल भट्ट जी पहले नीलाचल ही जाना चाहते थे, पर महाप्रभु जी की कृपा आदेश को स्मरण करके वृंदावन आए, और उस समय वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी जी विराजमान थे, उन्होंने पत्र भेजा था उस समय महाप्रभु को कि महाप्रभु जी गोपाल भट्ट जी आ गए हैं। तब महाप्रभु जी गोपाल भट्ट जी वृंदावन आ गए इससे इतना प्रसन्न हुए कि उस समय गोपाल भट्ट जी के लिए अपना आसन जिसमें महाप्रभु जी बैठते थे, अपनी डोर कोपिन में ये भिजवाई। आज भी राधा रमण जी के मंदिर में वो महाप्रभु जी के बैठने का आसन, वो लकड़ी का पट्टा आज भी विराजमान है उसकी, आज भी मंदिर में सेवा पूजा होती है।
और वो डोर कोपिन अपने प्रसादी वस्त्र जो गोपाल भट्ट जी के लिए भेजे थे वो भी आज भी मंदिर में विराजमान है। समय समय पर उनका दर्शन होता है, प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना होती है। तो गोपाल भट्ट जी पर महाप्रभु जी ने कृपा करी और फिर इन्हीं गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन जी प्रकट किए, वो कथा हम प्राय सुनते हैं, आगे भी वर्णन आएगा। तो गोपाल भट्ट जी पर महाप्रभु जी ने कृपा करी है और अब महाप्रभु जी श्री रंगम से आगे की यात्रा करते हैं। अनेक तीर्थों पर कृपा करते हुए अब श्री महाप्रभु जी गोदावरी के तट पर आते हैं, जहां राय रामानंद जी रहते हैं। और इस समय राय रामानंद जी गोदावरी में स्नान करने आए होते हैं। जिस समय महाप्रभु जी नीलाचल से चल रहे थे तब सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी को कहा था कि महाप्रभु जी आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, वहां गोदावरी के तट पर विद्यानगर है और उस विद्यानगर में राय रामानंद करके एक महावैष्णव रहते हैं। वो विद्यानगर हमारे उड़ीसा के राजा के ही अधिकार में है, उन्हीं के द्वारा राय रामानंद जी को वहां नियुक्त किया गया है। वो महावैष्णव हैं, मैं अधिक क्या कहूं। पहले जब आपकी मेरे पर कृपा नहीं थी तो मैं उनकी बहुत हंसी उड़ाता था वैष्णव मान करके, पर आपकी कृपा प्राप्त करने के बाद मुझे उनकी महिमा समझ आ रही है। मैं उनके बारे में अधिक क्या कहूं, पर इतना कहूंगा कि वे आपके साथ सत्संग करने योग्य हैं। तो उनसे मिलना हो तो आप उन पर कृपा करिएगा। तब महाप्रभु चलते चलते गोदावरी तट पर पहुंचे। कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि गोदावरी देखिला होइला यमुना स्मरण, तीर देखी होइलो वृंदावन स्मरण। गोदावरी को देख करके श्री महाप्रभु जी को यमुना जी का स्मरण हो गया और उस गोदावरी के तीर पर जो विद्यानगर का वन था उसको देख करके वृंदावन का स्मरण हो गया। और महाप्रभु जी वहीं गोदावरी में स्नान करके वहीं एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते हैं और वृंदावन के स्मरण में खो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां राय रामानंद जी चूंकि वहां के राजा थे, अधिकारी थे, तो पालकी में बैठकर कितने कितने कहार पालकी लिए चल रहे हैं और कितने सेवक लोग हैं, रास्ता दो ऐसा कहते आ रहे हैं। राय रामानंद जी वहां प्रतिदिन संध्या के समय आते थे। वहां पर आए, उन्होंने स्नान किया और स्नान करके फिर वहां तट पर बैठकर भजन करते थे राय रामानंद जी। पर राय रामानंद कौन है? गौर लीला में राय रामानंद जी साक्षात विशाखा सखी हैं और स्वरूप दामोदर जी ये साक्षात ललिता सखी हैं। तो आज मानिए महाप्रभु राय रामानंद जी नहीं, मानो आज राधा रानी और विशाखा सखी का मिलना हो रहा है। राय रामानंद जी आए, स्नान किया, वहीं तट पर बैठकर स्मरण करने लगे। लेकिन आज तो बड़ी अनोखी बात हुई, और दिन तो जैसे ही आंख बंद करके भजन करते थे, स्मरण करते थे, तो उनकी आंखों के आगे राधा गोविंद प्रकट हो जाते थे। लेकिन आज राधा माधव नहीं आ रहे हैं नेत्रों के आगे। थोड़ी देर ध्यान किया, थोड़ी देर के लिए तो श्याम सुंदर किशोरी जी आए, फिर थोड़ी देर बाद वो किशोरी श्याम सुंदर जी लोप हो गए और उनकी जगह कोई गोरे रंग का सन्यासी प्रकट हो गया। राय रामानंद जी को लगा, अरे ये क्या हुआ, मेरे ठाकुर कहां चले गए? वो ध्यान में व्याकुल हो गए, देखने लगे, और ये गोरे रंग का सन्यासी ये कौन है जो मेरे दिल के भीतर आ गया? अरे ये कौन मेरा चित्त चोर है? फिर थोड़ी देर बाद देखा कि वो गोरे रंग का सन्यासी लोप हो गया, फिर श्याम सुंदर प्रकट हो गए, फिर थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर लोप हो गए, गोरे रंग का सन्यासी। अब उस गौर सन्यासी महाप्रभु के सन्यासी रूप का दर्शन करते करते राय रामानंद भी बल हो गए।
और इतने व्याकुल हो गए कि उनका ध्यान भंग हो गया और आसन से उठ करके चारों ओर देखने लगे, कहाँ है, कौन है, किसने मेरा चित्त चुराया, ये मेरे भीतर आकर के कौन धस गया कि इतनी देर में महाप्रभु जी की वाणी सुनाई पड़ी। महाप्रभु कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे हरि बो हरि हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बोल करते हुए एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। जैसे ही राय रामानंद जी का ध्यान गया उधर को भागे और जैसे ही देखा यही है मेरे चित्त चोर, यही है मेरे ध्यान के चोर, यही है मेरे बर्बर सिरे में आने वाले, और जबरन महाप्रभु जी के चरणों में लोटपोट होने लगे, प्रणाम करने लगे। उसी समय महाप्रभु जी स्वस्थ हुए। जैसे ही राय रामानंद को देखा तो भुजा बढ़ा करके उनको हृदय से लगा लिया और कहा, आप ही राय रामानंद है ना? कि हाँ प्रभु, मुझे ही राय रामानंद कहते हैं। राय रामानंद जी ने अपना परिचय दिया, महाप्रभु जी ने अपना परिचय दिया, ऐसे ऐसे हम पुरी से आ रहे हैं। जब पुरी से चले थे तो सार्वभौम जी ने कहा था कि विद्यानगर में एक महावैष्णव रहते हैं, आप जाकर के उनका संग करिएगा तो हम आपके साथ सत्संग करना चाहते हैं। राय रामानंद जी ने कहा, अब कोई कौवा क्या गरुण को सत्संग देगा? अरे महाराज, अब क्या कोई दीपक सूर्य को रोशनी देगा? मुझ पर कृपा करिए, मुझको सत्संग प्रदान करिए, मैं आपको क्या सत्संग दे सकता हूं? लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं राय रामानंद जी, हमने सार्वभौम के मुख से आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, हम आपके मुख से साध्य सार सुनना चाहते हैं, उपासना का सार सुनना चाहते हैं, आप हमको सत्संग श्रवण करवाइए। और ये महाप्रभु और राय रामानंद जी का संवाद अद्भुत है। और सब जगह महाप्रभु जी ने सत्संग दिया है और सामने वाले ने सुना है, लेकिन यहां उल्टा हुआ है। यहां राय रामानंद जी ने कहा है और महाप्रभु ने सुना है, लेकिन राय रामानंद जी से कहलवाया किसने है? राय रामानंद जी से कहलवाने वाले भी महाप्रभु ही हैं। प्रभु उदार शिरोमणि गौर उर प्रेरक प्रभु आप करावे, नाम सुयश पावे कोई और। प्रभु उदार शिरोमणि गौर, महाप्रभु अब राय रामानंद जी को वक्ता बनाएंगे। अरे जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमोते ही पाई, चरण कमल वंदो हरि राई। जिनकी कृपा से गूंगा वेद बोल सकता है तो महाप्रभु की कृपा से राय रामानंद बोलेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए और ये संवाद भी एक दो दिन का नहीं है, प्रतिदिन संध्या समय राय रामानंद जी आते थे। चरितामृत में उल्लेख है 10 रात 10 दिन तक लगातार संध्या समय राय रामानंद जी आ जाते थे इसी स्थान पे, और पूरी रात महाप्रभु जी के साथ सत्संग होता था। पर कैसा संवाद, महाप्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु कहे राय कहो सर्व साध्य सार। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रभु कहे राय कहो सर्व साध्य सार, राय कहे स्वधर्माचरण एई साध्य सार। महाप्रभु ने कहा, राय रामानंद जी साध्य सार कहो कि सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ा साधन क्या है। पहले राय रामानंद जी ने कहा स्वधर्माचरण, वानप्रस्थ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्माचरण करना, यही साध्य सार है। महाप्रभु ने कहा एहो बाह है, प्रभु कहे एहो बाह है आगे कह आर, माने ये बाहर की बात है, आगे कहो।
स्वधर्माचरण। बाहर की बात कैसे हुई? क्योंकि इसके द्वारा जो फल मिलता है वो या तो स्वर्ग होता है या मोक्ष होता है, लेकिन वैष्णव को ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। स्वर्ग तो एक 5-स्टार होटल के जैसे है, जैसे जब तक जेब में पैसे तब तक होटल में रखा जाएगा, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो होटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रखा जाएगा, जब पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो स्वर्ग से नीचे धक्का दे दिया जाएगा। यहां तो स्वर्ग तो एक होटल के जैसा है। तो महाप्रभु ने पहला प्रश्न किया, प्रभु कहे राय कहो सर्व साध्य सहाय,